जी की जो है ना ये है परफ्यूम कलेक्शन। ये तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अगर अब आपने करेले खिलाए। मामा की गोल्ड की नोज पिन जो है वो गुम चुकी है। राबिया की कारस्तानी है। नाक का भी पकौड़ा बनाना है क्या? सबसे ज्यादा परफ्यूम जो है वो किसके कमरे से निकले हैं? 7,000 की और तू 7,000 कचरे में। भाई ये तो सोने से भी महंगा पड़ा हुआ, इसको जो है आराम से यहाँ पे रख देते हैं। लेमन ऊपर आ गया। फुफो एनर्जी तू अपना बता, तेरा इन सब में से कौन सा फेवरेट ब्रांड का परफ्यूम है? तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? भाई पापा का इन सब में से कौन सा फेवरेट परफ्यूम है? हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार आज इतना प्यारा मौसम हुआ है, सुबह से बारिश हो रही है, अब तो भाई ठंड आना पक्का है। सितंबर आने वाला, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या मजेदार सा बाहर मौसम है, क्लाउडी क्लाउडी वेदर है, बारिश हो चुकी है। निश्चित आके देखते हैं घर पे क्या चल रहा है, नाश्ता वाश्ता करते हैं। सो लेट्स गो। आज जो है ना मैं बहुत लेट उठी हूँ, 5 बजे उठी हूँ, 5 बजे मेरा नाश्ता होने वाला है। यार मतलब अक्कल को हाथ मार फाप ना कुछ। गुड मॉर्निंग मम्मी। नीचे वाला पोर्शन तो भाई पूरे का पूरा खाली है, कोई मामा इधर नहीं है, ना तो कमरे में राबिया है और ना ही ज़ैनब है। इस वाले रूम में भी कोई भी नहीं है यार। अभी मैं नाम ले ही रही थी कि घर के अंदर कोई नहीं है, इतनी देर में हो गई बेल और गेट पे आई हुई है ज़ैनब, स्कूल से थकी हारी उजड़ा दियार और यूनिफॉर्म पहना हुआ। मामा जो है लेने गई है स्कूल से, अच्छी हो गई है ना, ना पापा की ड्यूटी ना मेरी ड्यूटी ना हीरा की ड्यूटी, अब जो है मामा ले आती है ज़ैनब को। सबको फायदा हो गया, सबको फायदा हो गया। इसको देखना पोने वाली को कैसे। चलें बाबा आई गई हैं तो फाइनली नाश्ता दे दें भाई, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भाई ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है, कल मैंने कहा था मैंने मामा के करेले नहीं खाने बट आज नाश्ते में खाने पड़े हैं, अचार करेले और उसके साथ मजेदार सा देसी घी का पराठा। यम 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 यम। तो भाई मैं चाय पीने जो है वो बाहर आई हूँ और अभी राबिया भी आ चुकी है बाहर, पता नहीं आई थिंक सो आज यूनिवर्सिटी दरवाजा खुला हुआ है बेटे। अभी मैं यूनिवर्सिटी नहीं खुली, मैं यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही है, मैं भी बाहर अपनी दोस्तों के साथ गई थी। दोस्तों के साथ नहीं, पंप लेने गई थी मिर्ची के लिए, दिख गया मैंने ये देखे, पंप लेने गई थी मिर्ची के लिए। दोस्तों का बहाना, इतना लंबा पंप ही क्या है यार, इसे भरूंगी ना मिर्ची में, हवा भरनी है मैंने। कितने का लिया ये? मैंने पैसों का नहीं, मैं अपनी दोस्त से लिया, उसके पास था। अच्छा दोस्तों से मिलने गई थी तो दोस्त से जो है वो लगते हैं तो पंप खरीद लाई है मुफ्त का ही। खरीद ही लाई, मांग के लाई, उसको वापस दे दूंगा। अच्छा जब भी किचन में आओ या तो मामा ने पराठे बना रहे होना होता है तो या तो मामा ने देसी घी बना रहे होना। मामा देसी घी आपको किस सदी में बनेगा ये बता दें। यहाँ पे फुल मेरे घर पे भाई आज देसी घी बन रहा है, ये कोई इसकी कच्ची लस्सी है, ये घी है, सारा घी ऊपर आ जाएगा, ये घी है तो ये पता नहीं क्या है यार, अजीब सा ही कोई घी के अंदर से निकला है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में असली देसी घी तो ये है देसी घी है ना। मलाई को जो है जब हम पकाते हैं तो उसमें से लस्सी निकलती है, लस्सी के अलावा जो है वो ये जो दिखाया कोई पहले दिखाया मुझे नाम नहीं आता वो निकलता है, और ये जो है साथ में देसी घी। वाजी वाह, पकौड़े ना बनाए? हाँ बना सकते हैं, मौसम अच्छा है, बारिश में पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। चलो शुक्र है मामा ने आज खुद ही कह दिया कि पकौड़े बना लेते हैं, वाकई आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश खूब सारी हुई है तो मामा पकौड़े बना दो, लेकिन करेले के नहीं, आलू के पकौड़े और बेसन के। करेले भी बड़े साथ नहीं, करेले मैंने सुबह नाश्ते में खा लिए यार, मामा मैंने अभी इतने करेले नहीं खाने, कड़वे से लगते हैं मुझे, अच्छे नहीं लगते करेले, ये तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अगर अब आपने करेले खिलाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है यार, किचन में मैंने मामा को पकोड़ों का बोला है कि पकोड़े बना दे, और राबिया मैडम ने जो अपनी डाइट लगवाई हुई है ना, जिसको खाना वाना आता है उसमें जो है आज इसको बर्गर आया हुआ है और शाम में फ्राइज, और यहाँ पे भाई कोई पैनकेक बने हुए ओट्स के, तो हेल्दी खा रही हूँ ना, क्या पता है मोटी हो रही हूँ। राबिया बर्गर किसी भी एंगल से हेल्दी नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बताती हूँ कैसे हेल्दी, इसका जो बन है वो दूसरा वाला है, इसका जो चिकन है वो प्रोटीन के लिए, इसकी जो चीज है वो मेरे मोटे होने के लिए, तो इट्स हेल्दी। ये काहे का कानून है यार, एक घर में रहते हुए ये बर्गर खाएगी और हम लोग जो है वो पकोड़े खा रहे हैं, ये नहीं अच्छा। मुझे भी चखाओ फिर थोड़ा सा तो टेस्ट करवा दो, अब देखो कैसे बिल्कुल इतना सा दे रही है। अच्छा ये लो, हेल्दी है हेल्दी, थोड़े फ्राइज भी दो। लिटरली नो वन राबिया ने अभी खाना खाया ठीक है, और इसको लग रहा है कि ये वाला खाना खा के इसका 100 किलो तो वजन बढ़ जाएगा ठीक है, साथ ही वजन बढ़ाने वाली मशीन पे खड़ी हो गई है। कितना बड़ा है? जीरो ने कुछ तो बड़ा ही होगा ना, चल नहीं रहा। राबिया दिन में जो है ना वो अपना वेट पता कितनी बार नाप तोलती है, कुछ 100 बार। राबिया तुम्हारी वजह से जो है ना ये मशीन खराब हुई है, स्किनी लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चल ठीक है, कितना वजन बढ़ा है? नहीं शो ही नहीं हो रहा। आज हमारी हेल्पर की जो है ना वो छुट्टी है तो मामा जो है
खिड़की के नीचे आ गई हूँ यार। अभी जो है मामा काट रही हैं आलू और प्याज, इसके हम बनाएंगे मजेदार से पकोड़े। और आज मजे क्या होने चाहिए, मुझे वैसे ही बड़ा शौक है जब बारिश हो पकौड़े बनाने। मेरा ख्याल है हर किसी के घर मोस्टली जब बारिश वगैरह होती है ना तो इस तरह की ही डिशेस बनती हैं, तली हुई बड़ी न्यम 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 न्यम। मामा ने सारी सब्जियां वगैरह काट ली और मसाले वगैरह ऐड कर दिए और मुझे बोल रही है कि इसको मिक्स करो। आज नहीं कर सकती मामा, मैंने नए नेल्स लगाए हुए ना, पहले बड़े तुम काम करती थी, आज माशाल्लाह से नेल लगा लिया तो तुझे बहाना मिल गया कि अब मैं मिक्स ही नहीं कर सकती। मामा मिक्स इस तरह करेंगे, ये चम्मच पड़ा ना चावलों वाला, इससे कर लेंगे। ये देखे हो गए मिक्स आराम से, जब चम्मच बना हुआ है तो हम हाथों का यूज क्यों करें। सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया रहे, सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया वो सब्जी है जो हमें सब्जी के साथ फ्री मिल जाती है। आजकल कोई थप्पड़ भी फ्री नहीं मारता, सारा कुछ पैसों का ही मिलता है। सही है, बात तो सही है, आजकल कोई भी कुछ भी फ्री नहीं देता। धनिया से नहीं ऐड करें, रेट नहीं पूछते और जो लिस्ट के नीचे ना इसका रेट लगा। हाँ भाई सही बात है, आज के दौर में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। आज की लेटेस्ट और ताजा तरीन खबर, मामा जो है वो अपनी गोल्ड की नोज पिन लेकर आई थी। मामा ने दराज में टिश्यू में डाल के रखी थी और राबिया ने कल रूम साफ किया और वो टिश्यू फेंक दिया है। इस दराज से कल इसे सफाई किया और वो टिश्यू फेंक दिया है। अब जो देखो डस्टबिन में देखती फिर रही है। मैंने आपको मना किया था ना, मैं आपको निकाल के दी, कहती है टिश्यू में क्यों नहीं रख के दी, मैंने कहा मम्मा टिश्यू में इधर उधर घूम जाएगी। राबिया जो है इतनी अब बुरे दिन आ गए हैं कि डस्टबिन में हाथ मारना पड़ रहा है और पूरी डस्टबिन से जो है वो ना, पहले ऐसे काम करो ना कि डस्टबिन में हाथ मारना पड़े दोबारा। ऐसे दराज़ में टिश्यू पड़ा तो मैंने इसे पकड़ा और मैंने इसमें फेंका था शायद, मैंने इस वाले इस गंद में देखो, इसमें तो कोई टिश्यू नहीं फेंका होगा ना। मामा की गोल्ड की नोज पिन जो है वो गुम चुकी है, राबिया की कारस्तानी है। चलो भाई फिर भी डस्टबिन में देखते हैं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यार डस्टबिन में। मिल गई कैसे मिली, डस्टबिन में पड़ी थी किस वाली, उसमें ना मैं देखती तो गई थी कूड़े में। दिखाए ओए शुक्र है मिल गई। वैसे कितने की है, गोल्ड की है लेकिन होगी कितने की, 7,000 की बनवाई थी। अल्लाह 7,000 की, और तू 7,000 कचरे में। टिश्यू पड़ा मैं तो डस्टबिन में फेंकने, मुझे क्या पता था नोजबिन है, मैंने देखी भी नहीं। मामा वैसे आपको जो है ना इसको टिश्यू में नहीं रखना चाहिए, कोई ऐसे ही एहतियातन देखे टिश्यू है वो फेंक दे। अभी मेरे बैग में रखवाई थी टिश्यू में लपेट के, मुझे याद ना तो मैंने भी टिश्यू फेंक दिया था, और कहीं बाहर फेंक देती तो फिर मुझे भी नहीं पता चलता। ये मैं ना याद आता मुझे तो कूड़ा चला जाना था, कूड़ा चला जाना था, और साथ आपकी गोल्ड की जो है वो नोजबिन तो जानी जानी थी। 7,000 रुपए मामा को 7,000 रुपए की पड़ गई। मैंने कहा 7,000 के पीछे लगाती ना, जो ढूंढे को 20,000 मिलेगा फिर फायदा भी होता। भाई पहले जो है ना मामा के इसके साथ का गोल्ड का इयररिंग गुम चुका है, इसलिए मामा कह रही है कि कोई चीज गुमे ना इसलिए गोल्ड का ख्याल रखा जाता है। ये ले मामा, अब इसको जो है अपनी इस तिजोरी में सांप के रख लें। मामा ने पकौड़े बनवाने हैं तो पिसी बीच में मैं जा रही हूँ, ऊपर वाली फ्रिज में भेजा था कि जाकर जो है वो बेसन लेकर आओ। भाई बेसन मैं लेने गई, मुझे मिला ही नहीं। मैंने पूछा मामा जी बेसन कहाँ है, बेसन का कहती वो जरा देसी घी वाला डब्बा है ना उनके बेसन है। अब बंदा पूछे इतना भी देसीपन क्या कहना, देसी मां ने देसी वाले घी के डब्बे में बेसन डाला हुआ। ये ले भाई बेसन, इसको हमने इस तरह छलनी से छानना है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो अंदर ही रह जाए, ठीक है। और मोटे मोटे जो है ना बेसन के गडूमड़े जो है वो भी बाहर रह जाए। ये मिक्स करें यार, एक पकोड़ा बनाना ही आज जो है मुश्किल हो गया। तो मिक्स करना भी ऐसे जैसे डर लगता है कि सारा कुछ नीचे ही फेंकोगी। अगर सिखाएंगे नहीं तो सीखूंगी कैसे यार, इसी तरह डिजास्टर कर कर इंसान सीखता है क्यों भाई। बात तो ठीक है, ले भाई बनाने चले। जितने डिजास्टर नहीं डिजास्टर मतलब खराबी, सब छोड़े इधर देखे ये नाक पे बेसन क्यों लगाया, नाक का भी पकौड़ा बनाना है क्या। मामा ने कहा है कि जितने मर्जी चमचों से जो है ना मिक्स कर लो, जब तक हाथों से मिक्स ना करो पकोड़ों में स्वाद नहीं आता। ये क्या लॉजिक है, पकोड़ों का मजा ही तब आता है जब हाथों से मिक्स करो। जाहिर है आप और आपकी देसी टोटके रेसिपीज क्या कह सकते हैं। चले मामा जी, मैंने जो है आज पकोड़ों से बनाना है एफ, मैं एफ पकोड़ा खाऊंगी। पकोड़े खाने तो बाहर निकल जाओ, ऐसे नहीं। मामा तुम्हें अपने अपने पकोड़े को जो है एफ लिख रही हूँ ना, आप लोगों को क्या कह रही हूँ। चौंचला लेके आ गई कि मैंने एफ लिखना, कभी पकोड़े से भी एफ लिखा गया। मैं तो लिखूंगी एफ फॉर फातिमा, एफ फॉर फैसल, फातिमा फैसल, A for अम्मी, A for अज़रा, वाह बात कंप्लीट। चल क्या याद करेगी, एफ बनाई देती है। मामा जो है यहाँ पे मेरे एफ बनाने की पूरी टेक्निक, टूटना नहीं मामा ये एफ टूट जाएगा थोड़ा, एफ अच्छे सा प्यारा सा एफ ब्यूटीफुल होना चाहिए। भाई मेरी मोम तो बहुत ही क्रिएटिव निकली, पकोड़ों से एफ बना लिया हुआ है। ये जब पक के भाई जाएगा ना फिर पता चलेगा। मम्मा अगर ये टूट गया ना तो मैंने आपसे बात नहीं करती। ये क्या, ये कहाँ से एफ लग रहा है, फातिमा जैसी है ना वैसा बन गया। मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, अच्छा निकलेगा, क्योंकि अंदर जाते साथ जो है वो टूट फूट गया। चलो भाई मामा जो है कह रही है अल्फाबेट्स को छोड़ो, नॉर्मल जो है वो पकोड़े पकने लगे हैं यहाँ पे, टूटर बस तैयार हो जाएंगे। क्या खुशी साउंड है यार इसकी। चलो भाई फर्स्ट पोर्शन जो है हमारा पकोड़ों का निकल आया हुआ है। मामा जी ये चखाओ जरा, वाह जी वाह क्या पकौड़े हैं। सॉरी मामा मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ब्लॉक के चक्रों में नीचे गिर गया, उठा लिया। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
सब बहनों को देख चखा कर आती हूँ। ये ले पापा जी, इसमें से सिर्फ एक टेस्ट करना है, सबको अभी एक एक टेस्टिंग हो रही है। ओके ये लो भाई, सिर्फ अंदर से एक एक सबने टेस्ट करना है। इसके साथ ये ला दो। अच्छा टमाटर बड़ी मजेदार, साथ में इसका बेस्ट फ्रेंड गार्लिक भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि केचप ला दूं और साथ में गार्लिक भी, गार्लिक सॉस। अच्छा तो यार खाना वाना खा लिया, जब मैंने शू कलेक्शन दिखाई थी ना तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे और इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम भी किया था कि यार आप जो है ना परफ्यूम कलेक्शन दिखाएं पूरी एस्ट्रोलॉजी की। आज इस एस्ट्रोलॉजी हाउस में जितने भी परफ्यूम्स है ना मैंने वो सब आपको दिखाने हैं कि टोटल कितने परफ्यूम्स हैं। अभी सबके कमरों में से जाके परफ्यूम्स निकालते हैं, एक बैग में डालते हैं, उसके बाद जो है ना निचरा के टेबल पे आपको शो करते हैं। सबसे पहले तो ये हिरा की अलमारी से निकालते हैं ना भाई सारे के सारे परफ्यूम्स। ऊपर वाले पोर्शन में जितने भी परफ्यूम्स हैं वो मैंने इस बैग में डाल ली, और ये बैग इतना कोई वजनी हो गया ना यार, ऐसा लग रहा है मैंने कोई 100 किलो की जो है वो ईंटें उठाई हुई है। नीचे भी जाके अलमारियों से जो भी परफ्यूम्स मिलते हैं वो सेट करते हैं। 1 hour later तो यार फाइनली 1 घंटा लगा के मैंने जो है सब बच्चों के कमरों से जो है वो परफ्यूम्स निकाले हैं और टेबल पे जोड़े हैं। हिम्मत जवाब दे गई है। खैर इस टेबल पे जितने भी परफ्यूम्स हैं वो पूरे घर में बस इतने ही हैं और कुछ भी नहीं है। और एक बात जो है वो आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं, वो ये कि यार कुछ परफ्यूम्स होते हैं उनके ढक्कन जो होते हैं ना वो घूम जाते हैं, पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कब ढक्कन घूमे होते हैं परफ्यूम अभी अंदर इतने इतने आ जाते पड़े होते हैं। मे बी आपके साथ भी ऐसा होता हो। सो पूरी इस एस्ट्रोलॉजी की जो है ना ये है परफ्यूम कलेक्शन। मैं बारी बारी आपको दिखाती हूँ, इसमें पापा के, मामा के, हिरा के, राबिया के, जैनब के, मेरे सबके परफ्यूम्स शामिल हैं। पहले थोड़ा क्लोजअप में दिखाती हूँ, कुछ परफ्यूम्स के ढक्कन वक्कन घुमे हुए हैं यार, और कुछ परफ्यूम जो हैं वो आधे खाली हैं आधे भरे हुए हैं, मतलब मिक्सचर सीन है। इधर सारे डिओड्रेंट पड़े हुए हैं, बॉडी स्प्रे पड़े हुए हैं और साथ में मिस्ट वगैरह भी सारे पड़े हुए हैं। अब जो है ना मैं थोड़ा डिटेल में दिखा देती हूँ, हमारे पास तकरीबन जो है ना वो हर ही ब्रांड का जो है ना वो परफ्यूम है। परफ्यूम जो होते हैं उनकी हम बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं सारी बहनें, तो भाई परफ्यूम जहाँ पे भी मिले बस खरीद लो और ले लो, मतलब इतना हमें परफ्यूम्स का शौक है। इसमें से भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम कौन सा है और सबसे जो है वो चीपेस्ट परफ्यूम कौन सा है। तो सबसे एक्सपेंसिव है ना मे बी वो 80,000 या 90,000 का है, हाँ इतने का ही है, और जो सबसे चीपेस्ट है ना वो 1,500-1,000 रुपए का परफ्यूम है भाई, वो अभी मैं आपको बारी बारी इन सब में से बताऊंगी। और अगर हम इन सब परफ्यूम्स के जो है वो पैसे कैलकुलेट करें ना तो भाई कोई चंगे खासे बन जाते हैं, क्योंकि परफ्यूम जो होते हैं ना वो अच्छे वाले ब्रांड के जो होते हैं ना वो सस्ते तो आते नहीं है भाई, चंगे कोई टीका ठुकता है हमें पैसों का। लेकिन परफ्यूम्स वो वाहिद चीज है जिन पे पैसा लगाते हुए मुझे कोई दुख नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब यार लगा दो इन पे जितना पैसा लगता है। राबिया ज़ैनब कमरे से बाहर आ जाओ, आप पूरे परफ्यूम्स दिखाने। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी सब लोगों के कमरे से उठाए हैं, पापा के, मामा के, तेरे, मेरे, हीरा के, राबिया के, ज़ैनब के, सबके हैं ये। यकीन नहीं आ रहा कि हमारे पास लिटरली इतने ज्यादा, हम फिर भी जाके नए परफ्यूम्स खरीदते हैं। वो तो हम बाज नहीं आएंगे। कलेक्शन हमारे पास परफ्यूम्स की मैंने सबको बताया ऐसी है कि हर ब्रांड का कोई ना कोई हमारे पास आर्टिकल कह रही हूँ परफ्यूम जरूर है। हर ब्रांड का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो ना हो। हाँ दुनिया के तकरीबन सारे परफ्यूम्स के ब्रांड इधर पड़े हुए हैं। एक 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 हर ब्रांड है हमारे पास, गेस है हमारे पास, वर्साचे है हमारे पास, टॉमी हिल्फिगर है हमारे पास, जारा है हमारे पास, खादी भी है हमारे पास, शनेल भी है, और कौन कौन से हैं, और हमारे पास विक्टोरिया सीक्रेट भी है, जे डॉट भी है, इवन के हमारे पास ऑसम ब्रांड भी है जो कि छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं वो भी है हमारे पास। ये एक लेटा पड़ा परफ्यूम, ये कौन सा ब्रांड? अच्छा बीच में ना ये एक ब्रांड पड़ा हुआ, ये ना हिरा का परफ्यूम है, उसका ये कोई फेवरेट है, मैं उसे पूछती हूँ ये कौन से ब्रांड का है। ये है चपेट परफ्यूम, चपेट परफ्यूम, वैसे लग वो फ्लैट ही रहा है, हिरा को भी ऊपर से बुला लेते हैं। हिरा नीचे आना जरा, तुम्हें सारी परफ्यूम कलेक्शन दिखानी है। वैसे आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा परफ्यूम जो है वो किसके कमरे से निकले हैं? पापा के और या हिरा पे के, इन दोनों के में ज्यादा होंगे, मेरे में कम ही थे वैसे। सबसे ज्यादा परफ्यूम जो है ना वो हिरा के कमरे से निकले हैं? नहीं, सबसे ज्यादा परफ्यूम जो है ना वो पापा के कमरे से निकले हैं। पापा जी आपके कमरे में बहुत परफ्यूम थे, बहुत बॉडी स्प्रे थे, पता नहीं क्या, मुझे लगता है पापा ना परफ्यूम से बहुत इन्वेस्ट करते हैं, है ना? परफ्यूम में बहुत पापा ने पैसा खर्चा हुआ है भाई, जब भी जाता हूं परफ्यूम से। परफ्यूम तो पापा भाई, किसी ने पापा को गिफ्ट देना तो परफ्यूम ही दो। करो भी मैंने पर गिफ्ट देने सारे परफ्यूम ही देने। हाँ आप ही ने भी उस दिन आपको परफ्यूम दिया, मैंने भी दिया, तो इकट्ठे कर करके पापा के पास बहुत सारे परफ्यूम्स इकट्ठे हुए हैं। हिरा को बुला लिया है, नीचे ठम 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 करती आ रही है, इसका जरा हम रिएक्शन देखते हैं।
परफ्यूम स्पेशलिस्ट तो अब आया है यार। आधे नहीं, आधे से ज्यादा तुम्हारे और पापा के ही है बस। इस सारे परफ्यूम्स के ओनर ये दो लोग बैठे हुए, इन दो लोगों के ये सारे परफ्यूम्स हैं। चोर सारे ये ये हमारे परफ्यूम्स चोरी करते हैं। कितने ज्यादा लग रहे हैं ना हीरा, डिफरेंट 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 डिफरेंट। सबसे ज्यादा वाकई हीरा तुम्हारे कमरे से निकले हैं परफ्यूम्स। मैं सबसे बारी बारी पूछूंगी कि इन परफ्यूम्स में से हर किसी का फेवरेट कौन सा है। इन सारे परफ्यूम्स में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? अच्छा 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 अच्छा, देखा ना देखा ना। भाई पापा का इन सब में से कौन सा फेवरेट परफ्यूम है? अच्छा अच्छा अच्छा, पापा का ये वाला फेवरेट है। ठीक है, चल ज़ैनब तू बता, आप तेरा इन सब में से फेवरेट को छोड़ दो, मेरी जो कलेक्शन है वो मैंने सब यहाँ डॉप आती है ये वाला। पता है भाई ज़ैनब को जो है ना ये हेलो किटी पसंद है, ठीक है, ये इसका फेवरेट परफ्यूम है। ठीक है ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे ये वाला पसंद है। अच्छा ज़ैनब को अंदर से एक और फेवरेट है ये वाला। अच्छा टॉमी गर्ल जो है ये ज़ैनब का फेवरेट है। ओके 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 ओके, चल राबिया तू अपना बता, तेरा इन सब में से कौन सा फेवरेट ब्रांड का परफ्यूम है? एक 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 बताना ही है क्या? तीन का चक्कर ही नहीं है। एक 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 उठा, कौन सा अच्छा है? एक परफ्यूम और एक मिस्ट। ये वाला परफ्यूम को तो मिस्ट को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। ठीक है, और ये वाला परफ्यूम और ये है भी दोनों मेरी चीजें ही। ठीक है, राबिया का ये जो है चांस शनैल राबिया का फेवरेट परफ्यूम है, ये लो। और मेरा पता है कौन सा फेवरेट है भाई? अक्सर मैं कहती रहती हूँ स्टॉक्स को अपने साथ लगा के उसकी स्मेल सूंघ के, मेरा फेवरेट है भाई गुची फ्लोरा। इट्स माय फेवरेट परफ्यूम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इस मिस्ट को कोई बीट नहीं कर सकता। ए मम्मी आपका कौन सा परफ्यूम सबसे फेवरेट लगता है? मुझे बस अपने खानों की स्मेल अच्छी लगती है। बाजी वाह, मम्मी के काम चेक कर लो, दुनिया जहान के परफ्यूम्स क्रॉस तो बस खाने की स्मेल टिक। मुझे जो भी मिल जाए जिसकी लाइट स्मेल है वो अच्छा लगता है। नहीं नहीं शुक्र है, हम आपने ये नहीं कह दिया कि आपको सिर्फ आपके अचार की स्मेल अच्छी लगती है। चलो यहाँ पे जो है परफ्यूम्स पे अब इतनी लंबी चौड़ी कोई डिस्कशन स्टार्ट हो गई है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। फलाने ब्रांड का उसका ये टमकाना टनान 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 टनान। अच्छा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बताऊंगी कि इसमें से मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम कौन सा है, वो है ये सबसे छोटू डिब्बी अंदर है, लेकिन ये इसका रेट जो है ना सबसे ज्यादा है। और यही वाला मेरा फेवरेट है, मैं इसकी मैंने दो डिबिया मंगवाई थी, एक डिबिया कह रही हूँ बॉटल्स मंगवाई थी, एक खत्म होने वाली है, एक वो है। जितने भी परफ्यूम्स अभी हमारे पास पड़े हुए हैं उसमें से ये बकारात 540 जो है ना ये 85,000 समथिंग का है, और ये यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम है भाई। ये तो सोने से भी महंगा पड़ा हो भाई, इसको जो है आराम से यहाँ पे रख देते हैं। वैसे 85,000 का हीरा कितना ज्यादा गोल्ड बन सकता है, ठीक है, और इतनी सी डिबिया में परफ्यूम इस्तेमाल करो। गोल्ड का एज अ परफ्यूम लगा सकती हो? नहीं ना, तो चुप करके वही ले लो, इसकी स्मेल मुझे किसी परफ्यूम ने नहीं दिया। और अब मैंने आपको बताना है कि सबसे सस्ते वाला परफ्यूम जो है ना वो इधर कौन सा पड़ा हुआ है। सबसे सस्ता परफ्यूम जो है ना वो ये है। ये ज़ैनब लेकर आई थी एक दिन मिनीसो से, आपके साथ पता नहीं ये चैलेंज करने गई थी या क्या करने गई थी, तो ये लेकर आई थी कि छोटू सा ये भी मिनीसो का। हाँ ये भी मिनीसो का, ये तेरा पकड़ ले अपना। 600 बारी अब मैं दिखा चुकी हूँ फाइनली। ये जो है हम लोगों की पूरी परफ्यूम कलेक्शन है, विक्टोरिया सीक्रेट जो है वो गिन चुन के हमारे पास ये हैं, और ये सभी के सब बेस्ट कलेक्शन में से हैं। अच्छा आज क्या राबिया की उस कीटो डाइट में आया है? कीटो नहीं, वेट गेन डाइट। वेट गेन डाइट में क्या आया है? रोटी के साथ पालक और गोश्त। ठीक है, खा कर देखती हूँ तू कितनी को गोश्त जितनी मोटी होती है। मैं हो जाऊंगी। चलो गाइस, तो फाइनली इस एस्ट्रोलॉजी के घर में इतने ही परफ्यूम्स थे जो मैंने आपको सब दिखा दिए। अब लड़कियों अपने अपने यहाँ से परफ्यूम्स उठा लो और अपने अपने कमरों में ले जाओ, रख के आओ जाके, सारे लेके आइयो ना, अब एक एक करके जोड़ के आओ जैसे लेके आई थी गंद में। लेकिन मैं ताबेदार, आपको आपको तो उठा लेंगे अपने यहाँ, छोड़ रह जाएंगे, मैं ले जाऊंगा। वो तो तुम्हारे अब्बू है, ठीक है, तुम मेरा तो ऊपर गंद मार के आई हो ना। चलो ठीक है, मैं सारे सबके भाई सबके कमरों में दोबारा शिफ्ट करने का टाइम आ गया। उधर अभी परफ्यूम कलेक्शन चल रही थी तो पापा के सामने एक टिकटॉक आ गई, उसमें लिखा हुआ था कि आपने एक ग्लास में पानी डालना है, अगर पानी के अंदर लेमन डालना है, लेमन जो है अगर तहरता रहा तो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, अगर पानी के नीचे चला गया तो नेगेटिव एनर्जी है। चलो भाई पापा भी ट्राई करने लगे हैं। हाँ जी क्या सीन है? पापा नया लेमन लेकर आते हैं, फिर जाके देखते हैं कि क्या भाई घर में एनर्जी है। मैं वही तो कह रही, पापा टिकटॉक की बातों में आए पड़े आज सुबह मेरे से। एक्सपेरिमेंट है, चले कर लेते हैं, जरा लेमन अंदर ऐड करें, ऊपर तैरता है कि स्टे करता है। पॉजिटिव एनर्जी है घर में, लेमन ऊपर आ गया, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है घर में, अगर लेमन नीचे चला जाता तो नेगेटिव एनर्जी। रुको। अच्छा अब इसी टाइम जो है हमने एक और लेमन उठा लिया, ये है पॉजिटिव एनर्जी, अब इसको निकाला। हाँ जी ये डाला और ये आई फुफो एनर्जी, फुफो एनर्जी नेगेटिव। कितना बड़ा ब्लंडर करते हैं ये टिकटॉक वाले। पापा ने जो है ना टिकटॉक देख के वाकई यकीन कर लिया था कि ये
पापा जी ये सब इनका लाइक्स और व्यूज के चक्कर होते हैं। चेक करो बड़ा नींबू बहुत थले बैठा झूठ बोलते हैं पापा जी ये सब। टिकटॉक पे नहीं आना ठीक है, टिकटॉक की बातों में सॉरी बातों में नहीं, ये जो चीजें चलती इस तरह नहीं। हाँ एहतियात करें, एहतियात करें। टिकटॉक फेसबुक सब ड्रामे है, सब ड्रामे को होना थे। पॉल नेगेटिव एनर्जी होती है, आप बोल जी दो एनर्जी कट गई। चेक करो। चलो तो यार सबके परफ्यूम्स जो है वो उनके रूम्स वगैरह में रख दिए हैं, अब जो है हम चलते हैं ऊपर और करते हैं सोने की तैयारी। अपने टैडी से तो मिल ही लेते हैं यार, इतनी बार मैं यार मना करती हूँ कि ये इस कानी आँख को अपने साथ मत बिठाया कर, ये डेली जो है ना मेरे टैडू के साथ आ जाता। चल फिर, लोग तो बड़ा कमेंट्स में कह रहे हैं कि इसकी शादी करवा ही दी जाए, इसको भी बहुत एक्साइटमेंट है, हो जाएगी तेरी शादी, तू टेंशन ना ले। और आप लोगों ने भी टेंशन नहीं लेनी, इसकी शादी होकर रहेगी ठीक है। थोड़ा सा वक्त दे, इसका अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूँ, इसके हाथ जो है वो फिर पीले करेंगे और इसके लिए बहू लेकर आएंगे, बीवी तेरी बहू मेरी। होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।